भाई पर ये वाली चीज तो सही में बहुत ही घटिया लगी मेरे को इसमें। iPhone 15 Pro जिस दिन लॉन्च हुआ था उसी दिन मैंने खरीद लिया था। अपने यूजेज के हिसाब से ऑलमोस्ट 50 दिन मेरे को हो गए हैं। मेरे को ये फोन कैसा लगा, बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं, बहुत सारी बुरी भी हैं। चलो आपको सब कुछ बताता हूं कि आपको लेना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए अपने किसी पुराने iPhone से, सब बताता हूं। लेट्स स्टार्ट। अब अगर मैं आपसे पूछूंगी भाई इसका डिजाइन कैसा लगा आपको, तो आप खुद ही बोलोगे कि क्या लगा इसमें। पिछले 6 साल से iPhone का डिजाइन सेम है, iPhone 10, 11, 12, 13, 14, 15, मतलब कोई भी मेजर चेंज नहीं आया। बस कैमरा थोड़ा इधर उधर कर देते हैं, एजेस को कर्व्ड कर देते हैं, बाकी डिजाइन ऑलमोस्ट सेम है। अब ऐसा तो है नहीं कि एप्पल के पास डिजाइन टीम नहीं है, वो बेटर डिजाइन बना नहीं सकते, पर इसका रीजन है कि वो बनाना चाहते ही नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, क्योंकि अगर आप देखो तो एंड्रॉइड फोन तो भाई साल में 2 बार अपने डिजाइन चेंज करते हैं। मतलब अगर आप कोई भी फोन देखो तो आप नहीं बता सकते कि ये ओप्पो का है, ये शाओमी का है, ये वीवो का है, आपको नहीं पता चलेगा। वहीं पे अगर आप दूर से ही आईफोन को देखोगे, आप दूर से पहचान लोगे कि भाई ये तो कोई आईफोन ही है, और यही चीज एप्पल चाहता है। अब अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो गेमिंग वगैरह बिल्कुल आराम से होगी, एकदम लैग फ्री चलेगा फोन। A17 प्रो चिप है तो कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं वाली। अगर आपने गेमिंग के लिए लेना है तो ये आईफोन तो परफेक्ट है ही, अगर जेब में रोकना रखा है तो। अब इसमें आपको टाइटेनियम का फ्रेम मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग है, ड्यूरेबल है, और भाई लाइट वेट भी बहुत हो गया है। अगर आप 14 प्रो से कंपेयर करोगे तो आपको डेफिनेटली डिफरेंस फील होगा दोनों में, बहुत हल्का लगता है ये। और इसके टाइटेनियम पे इजीली स्क्रैचेस नहीं पड़ते, जैसे अगर आपने कवर वगैरह में डाल के रखा है तो पहले तो आईफोन के अंदर कवर के अंदर ही स्क्रैच पड़ जाते थे इसके फ्रेम पे, बट यहाँ पे आपको इजीली स्क्रैच नहीं पड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं कि इसके अंदर हीटिंग इशू है या फिर नहीं। तो भाई जब ये मार्केट में आया था ना तो बहुत सारे हीटिंग इशूज की प्रॉब्लम आ रही थी, और मैंने खुद बहुत हीटिंग इशू फेस किया है इसके अंदर। मतलब थोड़ी देर में भाई अगर जेब में फोन है तो ऐसे हीट अप करने लग जाता था कि आपकी टांग गर्म हो जाती थी। पर iOS 17.1 के अपडेट के बाद ये फिक्स हो गया, और हर साल यही होता है, जब भी कोई आईफोन होता है उसमें बग्स भरे होते हैं, पर अपडेट्स के बाद एप्पल उन बग्स को फिक्स कर देता है, तो अब तो मुझे कोई भी हीटिंग इशू फेस नहीं हुआ। अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो आईफोन का सॉफ्टवेयर अच्छा ही होता है, मतलब आपको बिल्कुल आराम से जो खोलना है खोलो, सामने सामने सब कुछ पड़ा होता है। अगर डिफरेंस की बात करें तो पिछले iOS 16 से iOS 17 में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, पर हाँ कुछ कुछ ऐसे हिडन फीचर्स हैं जो बहुत काम के भी हैं। अगर उस पर पूरा वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, उस पर पूरा वीडियो बना दूंगा मैं। देखो कैमरा इस iPhone 15 Pro में 48 मेगापिक्सल है। अब आपने चाहे जितने मर्जी मेगापिक्सल वाला, चाहे आप 108 मेगापिक्सल वाला कोई भी एंड्रॉइड ले लो, उसमें फोटो नो डाउट अच्छी आएगी। पर अगर आपको नेचुरल फोटो चाहिए तो वो iPhone में आ सकती है, नेचुरल नहीं चाहिए तो इसमें आपको फोटोग्राफिक स्टाइल्स मिलता है। बाकी आउटडोर के कुछ कैमरा सैंपल्स भी आपको दिखा देता हूँ, फोटो आती कैसी है। बाकी इसका ना जो पोर्ट्रेट मोड है वो भी पहले से इंप्रूव हो गया है। अगर जूम की बात करें तो इसमें 2x और 3x इसमें आपको ऑप्टिकल जूम मिलता है, और 15x तक आपको इसमें डिजिटल जूम मिलता है। बाकी यार एक बात तो माननी पड़ेगी, अगर आप इसके कैमरास को स्विच करते हो ना तो भाई आपको पता ही नहीं चलता, इतनी स्मूथली शिफ्ट करता है कैमरास के अंदर। अब अगर मैं वीडियोस की बात करूं ना तो भाई वीडियोस के मामले में तो कोई भी एंड्रॉइड फोन आईफोन को बीट नहीं कर पाया, चाहे जितना मर्जी महंगा हो। मतलब भाई एप्पल ने अपना पूरा का पूरा इवेंट आईफोन 15 प्रो पे शूट कर लिया, इतना अच्छा कैमरा है इसका। आईफोन 14 प्रो पे तो ना मैंने पिछले 1 साल से रोज रील्स बनाई है, और 15 प्रो पे शिफ्ट करने के बाद मैं साफ डिफरेंस फील कर सकता हूँ। मतलब इसकी वीडियो क्वालिटी नोटिसेबली बेटर है उससे। उसमें स्किन टोन थोड़ी हार्श मिलती है, बट इसमें जो स्किन टोन है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, तो देखने में अच्छी लगती है। चाहे आप 15 प्रो ले लो चाहे 15 प्रो मैक्स ले लो, दोनों के कैमरास एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ एक कैमरा का फर्क है जो कि है जो 15 प्रो मैक्स है उसमें आपको एक जूम लेंस एक्स्ट्रा मिल जाता है। इसमें आपको 3x जूम मिलता है, उसमें 5x मिल जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। अब आपको पता है कि पूरी 15 सीरीज में आपको डायनेमिक आइलैंड मिल गया है, तो अब धीरे धीरे बहुत सारी एप्स इस चीज का फायदा उठा रही है इसके डायनेमिक आइलैंड का। जैसे कि आप जोमेटो से कुछ ऑर्डर करते हो तो यहाँ पे ऊपर आ जाता है कि आपका ऑर्डर कहाँ पहुंच गया है। आप अपने ऊबर ऑर्डर करते हो तो ऊबर की राइड कहाँ पहुंच गई है वो भी आपके सामने आ जाता है। ऐसे धीरे धीरे एप्स इस चीज को अडेप्ट कर रही है, और ये बहुत काम की चीज बन सकती है फ्यूचर में। साथ में ना ऐसी बहुत सारी एप्स है जो आईफोन पे बेटर चलती है एज कम्पेयर टू एंड्रॉइड, चाहे वो जितना मर्जी महंगा एंड्रॉइड फोन हो। इंस्टाग्राम या स्नैपचैट को ले लो, ये जो एप्स है ये आईफोन के लिए अलग से डिजाइन होती है और इतनी स्मूथ काम करती है ना, वही एंड्रॉइड फोन में इतने सारे बग्स आते हैं इंस्टाग्राम में। मतलब ऐसा नहीं कि आईफोन में बग्स है नहीं, बट एंड्रॉइड फोन से काफी बेटर काम करती है इसके अंदर। तो अगर एक्शन बटन की बात करें तो ये भी एक काफी काम की चीज है, मतलब आप इससे कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। मैं अगर पर्सनली बात करूं तो मैंने तो इसको टॉर्च पे लगा रखा है, एक बटन दबाओ टॉर्च जलगी, एक बटन दबाओ टॉर्च बंद होगी। ऐसे आप अपने हिसाब से कोई भी चीज को कस्टमाइज कर सकते हो, चाहे इसके ऊपर आप कैलकुलेटर खोल लो, चाहे कैमरा ऑन कर लो, म्यूट कर लो, टाइमर लगा लो, कुछ मर्जी कर सकते हो, और इसकी पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड है। आप एक ऐसा शॉर्टकट बना सकते हो जिससे कि जैसे आप इस बटन को प्रेस करोगे आपकी लोकेशन आपके किसी फैमिली मेंबर को पहुंच जाएगी व्हाट्सएप पे। फिर अगला चेंज इसके अंदर आया है जो टाइप सी पोर्ट है। देखो भाई 10 साल तक एप्पल ने लाइटनिंग पोर्ट चलाया है, पर अब इनको जबरदस्ती चेंज करना पड़ गया यूरोप की वजह से। पर हाँ ये चेंज है तो बहुत काम का, और हमने इस पर सारी एक्सेसरीज कनेक्ट करके देख ली, कीबोर्ड, माउस, हार्ड ड्राइव, गेम पैड, जो मर्जी आप इस पर लगा सकते हो, सब कुछ इजिली काम करेगा। इवन की दूसरे फोन को भी चार्ज कर देता है, और अपना एयरपॉड भी चार्ज कर सकते हो इससे। और ऐसा भी नहीं कि अगर आप किसी दूसरे ब्रांड का चार्जर लगाओगे तो ये काम नहीं करेगा। मैं तो अपने वन प्लस के चार्जर से इसको रोज चार्ज करता हूँ और बिल्कुल प्रॉपरली काम करता है।
अब बैटरी पे आ जाते हैं भाई, इसके अंदर जो A17 Pro चिप है 3 नैनोमीटर की, वो पावरफुल बहुत है और साथ में एफिशिएंट भी है। इसका मतलब बैटरी बैकअप बहुत अच्छा होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। मैं सही में इसकी बैटरी बैकअप से बहुत डिसअपॉइंटेड हूं, क्योंकि 14 Pro जब मैं चला रहा था सुबह से लेकर रात तक मेरे को चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, पर इसको मेरे को शाम को रोज 8 बजे के अराउंड चार्ज करना पड़ता है। कहां तो नई चिप की वजह से इसकी बैटरी अच्छी होनी चाहिए थी, बट यहां पे तो मुझे और भी बुरी मिल रही है बैटरी लाइफ। साथ में मैं तो इस पे कोई गेम्स भी नहीं खेलता, नॉर्मल थोड़ी बहुत कैमरा चला लिया, इंस्टाग्राम चला लिया, फोन कॉल्स कर ली, बस यही है। फिर भी पूरा दिन नहीं चल पाती। एंड मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा हूँ, ये मैंने वेरीफाई किया चीज, बहुत सारे लोगों ने टेस्ट किया है तो पता चला कि इसकी बैटरी सही में कम है 14 प्रो से। बाकी ये करंट सिनेरियो है, क्योंकि इसमें ना एक नया अपडेट आया iOS 17.1.1 शायद, तो पॉसिबिलिटी है कि एप्पल उसके साथ बैटरी इशू भी फिक्स कर दे। तो इसका जो रिजल्ट है वो मैं उसको एक हफ्ते तक यूज करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि बैटरी लाइफ कुछ इंप्रूव हुई है या फिर वैसी है। अब अगर आपको ये वीडियो काम का लग रहा है तो ऐसी ना बहुत सारी वीडियोस और भी आने वाली हैं, तो सब्सक्राइब कर लो और जल्दी से 4 लाख सब्सक्राइबर्स करवा दो ना यार। अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे कि क्या आपको iPhone 15 Pro लेना चाहिए या फिर नहीं। देखो, अगर तो आप कोई पुराना iPhone यूज कर रहे हो, मान लो iPhone 11 Pro या 12 Pro, आपको बहुत बेटर लगेगा iPhone 15 Pro। पर अगर आप ऑलरेडी 13 Pro या 14 Pro चला रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस पे अपग्रेड करना चाहिए। चलो साफ साफ बात करते हैं कि इन 5 चीजों के बेस पे आप डिसाइड कर लो कि आपको अपग्रेड करना है या फिर नहीं। एक तो आपको 15 Pro में स्लाइटली बेटर कैमरा मिलेगा 14 Pro से, इसके अंदर आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है, नंबर 3 है कि टाइटेनियम का फ्रेम मिल जाता है जो लाइट वेट है, फोर्थ है ये एक्शन बटन जो कि काम का तो है, और फिफ्थ है कि इसके अंदर आपको बैटरी बैकअप कम मिलता है। तो इन 5 चीजों के बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको इसके ऊपर अपग्रेड करना है या फिर नहीं करना। बाकी कोई भी डाउट हो तो नीचे पूछ लेना, मैं आंसर कर दूंगा।